हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर के विस्तार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे राज्य में कैंसर मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। राज्य में बीते कुछ वक्त से कैंसर मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि हिमाचल केंद्र की मदद के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो केंद्र से मदद मिलती है वह खैरात नहीं है, बल्कि हिमाचल का हक है जो कि सभी राज्यों को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो पैट स्कैन है जिससे कैंसर का पता चलेगा उसके लिए 20 करोड़ रुपये आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर हम एक स्टेट ऑफ एक्सलेंस जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बना रहे हैं, पहली बार राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा, पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा एक वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपए दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया, नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सिस दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सिस दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है और जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही वो उन्हें शोभा नहीं देता। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया।